आज हम मारी बिस्किट केक बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये, इसे बच्चे भी बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। मारी बिस्किट केक बनाने के लिए चाहिए 24 मारी बिस्किट। हमें पीस कर इसका पाउडर फॉर्म में बनाना है। और 10 ओरियो बिस्किट, हमें इसे क्रीम के साथ ही पीसना है, इसे भी हमें पाउडर बनाना है। 100 ग्राम डार्क चॉकलेट, कोको पाउडर, वनीला एसेंस, और हमें दूध चाहिए और मिल्क मेड चाहिए। मैंने ओरियो बिस्किट और मारी बिस्किट को मिक्सी में पीस लिया, पाउडर फॉर्म में बना लिया। और डार्क चॉकलेट को मैंने 30 सेकंड तक माइक्रोवेव किया और उसे मेल्ट कर लिया। सबसे पहले हम मारी बिस्किट का पाउडर डालेंगे। फिर हम ओरियो बिस्किट का पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वन टेबलस्पून बटर डालेंगे। मैंने बटर को मेल्ट करके डाला है। 1/2 चॉकलेट डालेंगे। मैंने 30 सेकंड चलाया था, लेकिन आप 2 बार चला सकते हैं, 30 सेकंड 2 बार। अब इसमें हम इसका डो तैयार करेंगे, हाथों से हम इसका डो तैयार करेंगे। थोड़े से दूध का यूज़ करूँगी। मैंने 2 टेबलस्पून दूध का यूज़ किया है। मैंने 3/4 कप मिल्क मेड का यूज़ किया है। 1 कप में से इतना सा बचा है। अब हम इसे केक टिन में सेट करेंगे। हम केक टिन को बटर से ग्रीस करेंगे, आप ऑयल से भी कर सकते हो। हमने बिस्किट का जो डो बनाया था उसे लीजिए और दबा दबा कर सेट कीजिए। अच्छी तरह से इक्वल सेट कीजिए। हमने डो को केक टिन में सेट कर लिया। अब 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे। हम ऊपर से फॉइल पेपर लगाकर इसे फ्रिज में रखेंगे। केक को फ्रिज में से निकाल लिया। देखिए कितना अच्छा केक बना है। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम डार्क चॉकलेट ली, 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून न्यूटेला, तीनों को मिक्स किया और 30 सेकंड 2 बार माइक्रोवेव किया। जब आप इसे खाएंगे तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये मारी बिस्किट और ओरियो का बनाया है। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स डालूंगी, स्प्रिंकल डालूंगी। इतना स्वादिष्ट बनता है, आप इसे बार बार बनाएंगे। जरूर बनाइए इसे और अपने बच्चों को जरूर सिखाइए इसे। और लेकिन बच्चे बड़े शौक से बनाएंगे इसे, आप इसे जरूर बनाएंगे।